गाइस गुड मॉर्निंग और स्वागत है आपका हमारे आज के नए वीडियो में। तो आज हम जा रहे हैं पेप फोर्ट ट्रैकिंग करने, विकटगढ़ के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो अभी 8:30 बजे है और मैं यहाँ नेरल से उतर के टैक्सी पकड़ के आया हूँ, जो जहाँ पे टैक्सी छोड़ता है यहाँ से रेल ट्रैक है, वहाँ से हमें आगे जाना है। तो यहाँ तक टैक्सी छोड़ेगा और टैक्सी 100 रुपीज़ लेता है पर पर्सन आने का, सिर्फ यहाँ तक छोड़ने का। तो चलो आगे जाते हैं। फोर्टी फाइव मिनट्स हो चुका है वहाँ से ट्रैक करते करते। बाकी यहाँ के रास्ते बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, और आप जितना जल्दी आओगे सुबह में आपको उतना ही खूबसूरत ज़्यादा दिखेगा। तो आप ट्रैक करते समय ये चीज़ का ध्यान रखें कि आपको जितना आप जल्दी निकल सको निकलना है आपको। यहाँ पे बैठा हूँ और यहाँ के सामने बहुत ही खूबसूरत व्यू है, मैं आपको दिखाता हूँ, आप यहाँ के व्यूज़ इंजॉय करो। तब तक मैं थोड़ा रेस्ट करता हूँ, उसके बाद अपन आगे जाते हैं। गाइस तो होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो, ये सिनेमैटिक रोल अच्छा लगा रहेगा। और अभी ये व्यू को बाय करके आगे जाना है, वो वहाँ पे है पेप फोर्ट का मंदिर, तो वहाँ तक जाना है हमें। तो चलो आगे चलते हैं यही रास्ते से। तो जैसे आप टर्न लोगे थोड़े नज़दीक यहाँ पे गेट आएगा, तो वहाँ से आपको नीचे उतरना है। ध्यान रखें आगे मत चले जाना, ये गेट आएगा तो वहाँ से नीचे उतरना। तो अभी आपने देखा कैसे झाड़ियों में से आना है और रास्ता एकदम पतला सा है। तो प्लीज़ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अगर ट्रैकिंग पे किधर भी जा रहे हो तो आप जूते अच्छे पहन के जाओ और जिसमें ग्रिप मिले और आपका बैलेंस बना रहे, आप गिरो नहीं। और यहाँ पे आगे पानी है, शायद वाटरफॉल था, तो यहाँ से आप फिसल सकते हो। तो प्लीज़ अगर ऐसी कोई भी जगह रहेगा आप एकदम संभल के जाओ और एकदम आराम से जाना। तो अभी आगे सीढ़ियाँ हैं, तो यहाँ से सीढ़ियों से उतरना है और हमारी मंजिल हमें सामने दिख रही है, आपको अभी दिखाता हूँ। ये सीढ़ियों से उतर के जाना है और ये रही हमारी मंजिल, सामने जाना है हमें। गाइड वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से रास्ता अच्छे से बना हुआ है, तो आप अच्छे से जा सकते हो। और यहाँ पे मॉनसून में ये एक वाटरफॉल भी रहता है, यहाँ से पानी गिरता है, अगर बारिश ज़्यादा हुआ तो यहाँ से अच्छा वाटरफॉल मिलता है आपको।
ये सामने चढ़ना है, ये माउंटेन ऊपर जाना है और ये सामने है एकदम खड़ी चढ़ाई है, तो यहाँ से जाना है। जैसे आप वो पेच चढ़ के ऊपर आओगे, थोड़ा चलने के बाद यहाँ से पूरा ओपन व्यू दिखता है, वो सामने पूरा माथेरान रेंज है। और देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, सिर्फ थोड़ा सा पट्टी दिख रहा है, बाकी पूरा फॉग फॉग हो चुका है नीचे, और थोड़ा धूप भी ज़्यादा हो गया है तो टेन हो रहा है, बट मज़ा आ रहा है। आपको भी मज़ा आ रहा होगा तो इसी बात पे लाइक कर देना। चलो आगे जाते हैं। अभी मेरे सामने एक बहुत खूबसूरत नज़ारा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो बहुत खूबसूरत माउंटेंस दिख रहे हैं यहाँ पे, बहुत ही शानदार दिख रहा है। आज के ट्रिक का तो आज तो दिन बन गया है, मज़ा आ गया आज तो। हम टॉप पे पहुँच रहे हैं, सामने हमारी मंजिल दिख रही है, वहाँ पे जाना है। बस थोड़ा सा ही रास्ता बचा है 5 मिनट का। चलो वहाँ से तो खूबसूरत व्यू है और साइड के भी नज़ारे बहुत मस्त है। ये देखो जो नीचे से मैंने आपको दिखाया था माथेरान, यहाँ से अभी आए हैं ये साइड से, बहुत खूबसूरत और आज के व्यूज़ भी बहुत अच्छे हैं। बस थोड़ा सा धूप की वजह से हालत ख़राब है। चलो अभी आगे पहुँचते हैं और ऊपर से मैं आपको व्यूज़ दिखाता हूँ। तो फाइनली हम लोग ऊपर पहुंच चुके हैं, ये गटगट पे फोर्ट। अभी यहाँ से आए हैं, बहुत ही मज़ा आया आज ट्रैक करने में। ओके गाइस, तो ये यहाँ के व्यूज़ है ऊपर से, बहुत ही खूबसूरत है। गाइस, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो। मिलते हैं ऐसे ही कोई नई वीडियो में, टिल देन बाय।